इम्पॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस आपके जो है, अब रिफ्लेक्सेस जो अपर लिम के रिफ्लेक्सेस है इस पोजीशन में रखना है आपके, और ऑब्वियसली आपने बाइसेप्स देखना है तो इसको ज़रा रीजनेबली एक्सपोज होना चाहिए, ऊपर ही नहीं कर लेना कपड़े के ऊपर ही पूछना ज़रूरी है, अपना एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है इसका। हाँ जी एक्सपोज करके, हाँ अगर वो टाइट कपड़ा तो फिर एग्जामिनर को बंदा कह सकता है जी इस वक्त जो है वो आप मैं एक्सपोजर चाहती हूँ, रिलैक्स कर रहा है बिना छोड़ इस पोजीशन में रख रहे आप। अच्छा अब इसमें ना अगर हम ये बाइसेप देख लें तो ये टेंडन रिफ्लेक्स है ना, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच करोगे तो ये टेंडन स्ट्रेच होगा, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसे थोड़ा अब स्ट्रेच करके ये जो जगह ये अब मैं यहाँ पे मार रहा हूँ ये ब्रेक कर रहा है, ये सर हाथ रखेंगे उस मसल के ऊपर जिसका चेक करें, बस वैसे देखेंगे, लेकिन मैं इस टेंडन को ऐसे नहीं करके कर, मैं थोड़ा सा ना इसको स्ट्रेच में रखा है, इसको हल्का सा स्ट्रेच में रखा, और उसके बाद मैंने इसको ये किया तो ये जो है ये रिफ्लेक्स C5 C6 इस तरह ये साइड है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इधर बाहर को कर लूँ, ये ब्रेकियोरेडियल से ये इसकी बोन ट्रैक्चर होगी, इसको हड्डी पे नहीं मारना थोड़ा सा ऊपर मारना, यहाँ पे टेंडन है ये जो है हड्डी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है ये टेंडन, ये क्या दो मतलब करना, अगर फर्ज करो ये नहीं आ रहा तो फिर उसको मैं कहूँगा ये दांत बेचना जोर से, या मैं कहूँगा बिंचो ठीक और ज़्यादा, तो ये री इन्फोर्समेंट फिनोमिना हो गया। हाँ ये हो गया सुपीनेटर जर्क, जो बाइसेप जर्क है उसमें ना आपने टेंडन को फील करना है, टेंडन को फील करके फिर दाबा वापस, और फिर अब आपने अपनी टेंडन के ऊपर क्योंकि इसका टेंडन डीप है इसलिए आपने ना इसको फील करके अपनी जो अंगूठा है उसको टेंडन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टेंडन पीछे पड़ा होता है इसका, तो फील करके फिर इसको आपने एज अ टेंडन बनाना। तो अब मैं अपने अब ऑब्वियसली जो जर्क की है वो कहाँ होगी, इधर ही होगी ना, मैं इस पर ये यहाँ है ये बाइसेप जर्क, अब दूसरा इसमें आर्म की पोजीशन कैसे जो बनाएंगे ऐसे। हाँ दूसरा इसका ये भी तरीका है कि इसको फील करके तो आप अपने हाथ पे उसको रेस्ट करोगे, आपको रिलैक्स तो करना है यहाँ पे रखें फिर इसको इधर मार दो, दूसरी साइड अभी मैंने किया नहीं सर, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा नहीं आ रहा था रिफ्लेक्स इसकी, मैं तो वैसे उसे ही करता हूँ, लेकिन आपने मुझसे पूछा तो मैंने ये भी कर दिया, अभी ठीक ही आ रहा है ठीक है सर। दूसरे का जो है ना आपने ये इसको फील करना है और हाथ ऐसे रखने हैं पीछे, ये फील करके टेंडन और फिर आपने यहाँ से ये आपका फिर फ्री फॉल होना चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस है कि आपने कितनी मतलब जो है ठीक ऐसे नहीं करना आप, क्योंकि ऐसे करते हैं ना वो फ्री मूवमेंट नहीं होती है, आपने हाथ नीचे से लाना है इसको यहाँ पे एल्बो को सपोर्ट करके यहाँ पे रखें और इसको आपने फिर और ये ट्राइसेप्स के लिए फिर आपने इसको बिल्कुल राइट एंगल लिया और फिर यहाँ पे आपने ये ट्राइसेप्स के लिए होगी और फिर ऑब्वियसली ये ट्राइसेप्स भी आपने कंपैरिजन में करते हैं तो ये आपका ट्राइसेप्स हो गया। जहाँ तक नी जर्क और एंकल जर्क का ताल्लुक है, नी जर्क के लिए ऑब्वियसली एक्सपोजर में बार बार कह रहा हूँ ज़रूरी है, तो नी जर्क तो आपने यहाँ पे कंट्रैक्शन देखी है तो ये एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है हम ऊपर करना वही कुछ सैरी बैलम के लिए पेंडुलर जर्क है जिस पर बिठा के करना, वो जो पेंडुलर जर्क होती है जैसा ओल्ड फैशन क्लॉक नहीं होते उसको टैप करोगे तो लिम ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो सैरी बैलर के अंदर हो सकता है पेंडुलर जर्क। अच्छा अब इसमें ना देखना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो ये जो चीज़ है ये पोजीशन ये रखनी है आप ठीक, और इसमें आपने अब ये पटेला है, ये इसकी टिबियल टेबलोसिटी है, ये टेंडन है बीच, इसको फील करना है ये इस ग्रूव को और फिर आपने
सर जरा आप ऐसे करो, अगर नहीं होता तो जब मैं कहूँगा तो जोर लगाना है, रीइंफोर्समेंट जोर लगाओ। ये दूसरी तरफ आपने कोशिश करो, हाथ ऐसे रख लो और सपोर्ट हो जाएगी, जोर लगा ना आज में, जोर लगाई नीचे को हो गया। पर एंकल जर्क के लिए ऐसे बेबी पीछे कर लो। अब इसमें ये देखना, धान में इतना मैंने मतलब आई डोंट नो अभी भी पिछले दौरान इस तरह रख के कोई इतने मार रहे हैं, कोई इतने मार रहे हैं, डिप्रेशन होता है सब। एंकल उस समय तो एंकल ही यही है, इतने मारी जा रहे हैं। ये पोजीशन बनानी क्योंकि ये कुछ, और उसमें फिर इसको ना थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो फिर ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आपने 10-15 डिग्री बस ये थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा ऐसा, और ये जगह ये इसका नीजर को एंकल जर को हो गया। दूसरे के लिए फिर आप ऐसे कर लो और इसको फिर आपने यूँ स्ट्रेच करना और यहाँ पे ये नी जो एंकल जर्क हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो L2 L3 है, इसकी S1 है। ये देखो की है कीज जो है ना, वो जरा देखो ब्लंट ना हो जरा उसका, बस जो है ना मार्जिन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ये बेहतर है इसलिए कि इसका जो है ना शार्प नहीं, ये जो है ना ये शार्प है। और कभी भी आपने हैमर के इस चीज़ से नहीं करना हम तहार, तो ये जो है इस पर आपने यहाँ से होल्ड करना और देख लें थोड़ा बहुत कि अंगूठा वगैरह सम टाइम यहाँ पे किसी को गाउट होता है या कोई पेन फूल होती है तो पूछ भी लें, देख लेंगे अंगूठा मूव तो कर रहा है, ये ना हो कि अंगूठे में आर्थराइटिस हो तो अंगूठे ना मूव करें, गाउट यहाँ पे गाउट इम्पॉर्टेंट है और कुछ जॉइंट्स वगैरह। अच्छा अब इसको यहाँ से होल्ड करना है आपने, उससे इधर आपने दोबारा उससे कंसेंट लेना है कि जी मैं आपके पाँव पे चाबी लगाने लगा हूँ, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। और आपने आना आउटर इनवर्ड आना है, अब ये मैं आउटर इनवर्ड आ रहा हूँ और प्रेशर के साथ आना है थोड़ा सा, तो जैसे मैं आउटवर्ड इनवर्ड आया हूँ तो आपने देखा ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स क्या आया ये, तो इसका मतलब है डाउन गोइंग कांट, फिर इधर से पकड़ के तो डाउन गोइंग। इसमें अगर ये अप गोइंग होगा तो फिर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। और फिर उसमें मैंने आपको कहा था एक होता है गॉर्डन, गॉर्डन जो है ना इसमें जब आप दबाएंगे इसको तो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा अप गोइंग हो जाएगा, ये गॉर्डन टेंडन ऑफ एक्चुअली इसको दबा रहा हूँ मैं तो ये आप गोइंग हो जाए। और ओपन एम के अंदर जो है अगर आप इसको स्क्वीज करेंगे अलॉन्ग की टिबिया तो तब भी आप गोइंग हो जाएगा। ये एक्सटेंसिव कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक अगर लियन होगी ना तो सम टाइम यू नो ये हो सकता है। उसके बाद दो चीज़ें और हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में, एक कोलोनस, कोलोनस जो है एंकल कोलोनस भी है, पटेलर कोलोनस भी है। एंकल कोलोनस के लिए ये पोजिशन, और एंकल को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मूव करके तो यहाँ पे हाथ रखना है, प्रेशर। अब अगर ये क्लोनस होगा तो ये ऐसे ऐसे आपके हाथ पे ना जर्क होंगे, ये नहीं करना है कर, यहाँ पे प्रेशर रखना। अब अगर ये क्लोनस हुआ तो क्या होगा, ऊपर नीचे जर्क होती है आपका, आपने प्रेशर रखी है दो चार पाँच जर्क होंगे तो यहाँ पे सपोर्ट करना है और रख रहे हैं और इस तरह जर्क होगी। सर ये चीज़ कितनी दफ़ा करनी है, दो तीन मतलब उसको रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। और पटेला के लिए जो है ना पटेला को यहाँ से होल्ड करना है, पटेला इस तरह है होल्ड करनी है, पटेला को होल्ड करके तो इसको नीचे ऐसे प्रेशर कर तो ऐसे ऐसे जर्क करना पटेला को। एक्सटेंसिव कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लिए ना अगर होगी ना तो इसके अंदर ये आ जाएगा। एक ये जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हैं ये T8 है,
ये टी टेन है, ये टी ट्वेल्व है। अब एब्डोमिनल फ्लेक्सेस में आपने आउटवर्ड इनवर्ड जाना है, ये अंडरलाइंग एब्डोमिन वाले मसल कॉन्टैक्ट। तो इसके अंदर जो है यू ट्रायंगल सी बना रहा हूँ मैं, आउटवर्ड इनवर्ड जा रहा हूँ। तो अगर तो टी ए टी ट्वेल्व की अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी ना, तो ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। चलो किसकी बारी है?